इस शूल को अपने ऊपर जो बेटा लेता है, जो शुभो लेता है, उसके पितरों का उस नरक से यातना से बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने एक शूल पर खड़े रहकर तपस्या शुरू कर दी थी ताकि उनके पितरों का उद्धार हो। नीचे शूल लगाकर उस शूल पर के ऊपर खड़े होकर वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन गलती से हुआ कि सुमति नाम की एक साध्वी स्त्री उसके पति के कहने पर रात में उनको टोकरी में उठाकर वेश्या के पास ले जा रही थी, और उसने नहीं देखा और उसका पांव उस त्रिशूल को लग गया, और त्रिशूल जैसा ही हटा उस मृकंड महर्षि त्रिशूल के ऊपर गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तेरा पति कल सुबह को ना देखेगा, ऐसा श्राप दिया। तो उस त्रिशूल के कारण उनकी मृत्यु होने से उनके पितरों की वृद्धि के लिए फिर सुमति ने भी उनको बचाया और उनके पितरों को नरसिंह भी बाद में निकाला गया। और माता अनुसुईया देवी ने और सुमति ने उस शूलिनी दुर्गा की साधना संपन्न की और कहा कि इस शूलिनी दुर्गा को तुम्हारे पितर अगर नरक यातना अनुभव कर रहे हैं तो जो शूलिनी दुर्गा की साधना करता है उन नरक यातनाओं से बाहर आएंगे, उनको नरक यातना भोगनी नहीं पड़ेगी, उन पितरों को श्रेष्ठता के साथ उनका जीवन होगा। कहते तो ये हैं कि जिसने शूलिनी दुर्गा की यह साधना संपन्न की आज के दिन वह इस संसार में एक विशिष्ट स्थान यह प्राप्त करेगा कि उस शूलिनी दुर्गा का मंत्र बनकर अगर बिच्छू काटा हुआ है तो उसके ऊपर अगर हाथ फेरेगा तो उस उसको उतर जाएगा, ऐसा कहा गया है। चाहे विज्ञान मानता हो या ना मानता हो, जो हमारी पहले से हम अब जंगलों में देखते हैं सर्प काटता है, या वो गांव वाले होते हैं या जंगल में रहने वाले निवासी क्या करेंगे, वो लोगों के पास कौन सी या तो दवा लगाते हैं नहीं तो कोई मंत्र फूंक कर मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा विष उतर जाएगा। तो कहते हैं कि यही वो मंत्र था शूलिनी दुर्गा का मंत्र, जिसको पढ़कर उसके जीवन में अगर हमारे ऊपर कोई अकारण गाली देता है तो तुम्हारे मन में उस शूलिनी दुर्गा का मंत्र करो, जिसने अकारण तुम्हें गाली दी है वो अगर तुम्हें जरूर निश्चित रूप से क्षमा मांगेगा कि मेरे तरफ से गलती हो गई, और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। हम तब तक शांत नहीं होते जब तक किसी ने अकारण हमें गाली दे दी और वह आनंद के साथ जी रहा है तो हमारा मन भी दुखी होता है, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग ले कि मैं तुमने अकारण गाली दी है तो तुम्हें भी शांति मिल जाती है, तुम्हारे मन को शांति मिलती है। उसी तरह तन और मन की शांति के लिए इस शूलिनी दुर्गा की साधना श्रेष्ठतम कही गई है और श्रेष्ठते श्रेष्ठता कही गई। मैं वैसे देखा हूँ कि आज हमने शिविर ही आरंभ किया है 3 बजे और अभी हम देखते देखते 4 या 5 बज जाएंगे, फिर आप इस जंगल से आपके गांव को जाने की बात करेंगे और उसके बाद आपके आपके समस्याएं उसको सब देखने के लिए जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि आज के दिन इस शूल योग के दिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके पितर, आपके घर के लोग, आपके छोटे बच्चे बिना सुई लगे अपना जीवन जिए और एक आनंद के साथ जीवन जीने की कृपा करें, तुम्हारे मन को कोई दुखाने वाली बात ना हो, अगर हो भी तो इस शूलिनी दुर्गा के मंत्र से उनके मन में शांति हो, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो इस शूलिनी दुर्गा की साधना आज आप निश्चित रूप से करो, क्योंकि इसका समय आज के समय में 6:30 बजे तक शूल योग है और कल कंड योग है। हमारे ठाकुर जी ने कहा था कि गुरु जी आज का दिन साधना के लिए दे दो और कल के दिन समस्याओं के समाधान के लिए। मैंने उनसे कहा मैं किसी के घर के नहीं जा घर नहीं जाऊंगा, लेकिन समस्याओं का समाधान जरूर करूंगा। आज साधना संपन्न करो और कल इसका हवन करवाऊंगा, जो कल इसकी 108 आहुतियाँ घृत अन्न और शहद से डालेंगे, इसकी 108 आहुतियाँ निश्चित रूप से कहता हूँ कि उनके घर में सुई चुभाने की दिन उनको देखना न पड़े, ना उनके बच्चों को ना उनको और उनको, ये बात जरूर कहता हूँ। कल हवन करवाऊंगा, आज आपको साधना संपन्न करनी है जो केवल उस मंत्र को 1008 बार पढ़ना है, 1008 बार पढ़ना है, कल 108 की उस आहुति को प्रदान करना है। मैं आपके जीवन में चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास आप अगर आकर कहते हैं कि आपके जीवन में जीवन की हर समस्या को मैं सुलझा सकूँ, हर समस्या को साथ मैं आपके संपर्क में रहूं और हर समस्या में आपके साथ भाग ले सकूं। आजकल दिन ऐसा हो गया है कि गुरुजी मैं आपको विश्वास करता हूं, मेरे को मेरा सर दर्द दे रहा है। अरे सर दर्द को और विश्वास को क्या हो? मेरा सर दे रहा है, मैं आपको विश्वास किया, मेरा सर दर्द नहीं कम हुआ। दूसरा कहता है गुरुजी मैंने आपको बहुत विश्वास किया है, मेरे को अभी भी जॉब नहीं लगी, अभी मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। अरे विश्वास किया है, मैं विश्वास के साथ साथ बोला हूं कि साधना भी करो, साधना करो, साधना करने के बाद देखो ना कुछ होता है। और ये बात मैंने नहीं की, बड़े गुरुदेव ने साधनाएं संपन्न की, संपन्न करवाई है। कहीं ये बात कहते हो कि मैंने विश्वास किया आपका सरदर्द कम हो जाए, आपकी बुखार कम हो जाए, तो ऐसा कैसे होगा? उसके साथ 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 मैंने खाना खाने के लिए कहा है, खाना पका कर तो दूंगा, लेकिन खाना आपको ही है, पचाना उसको आपको ही है, तभी शक्ति आएगी। लेकिन खाना दे देकर मैं कहूँ कि तुम्हारे को शक्ति आ जाएगी तो नहीं, खाना सामने रखी नहीं शक्ति आएगी, खाना खाने के बाद पचाने के बाद शक्ति आएगी। उसी तरह मैंने कहा है तो मैं साधना ही तुम्हें देता हूँ, साधना तुम संपन्न करो और तुम्हारे जीवन में देखो कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि आप आज के दिन
जिस साधना को प्रभु रामचंद्र जी ने, प्रभु हनुमान जी ने और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने, माता राधा जी ने यह साधनाएं संपन्न कर अपने जीवन को सुखमय बनाया, 8 भार्याएं होने पर भी, 16,000 गोपिकाएं होने पर भी, आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि उनमें कोई झगड़ा था। आज एक पत्नी को नहीं संभाल सकते, कृष्ण ने उतने पत्नियों को संभाला कैसे होगा, और उनको संभालना तो संभालना, हर जगह से उनको सुखी रखा होगा, तो किस तरह रामचंद्र जी हो और उनको हो, जंगल में रहकर भी माता सीता सुखी थी वाल्मीकि के आश्रम में, वाल्मीकि जी ने उनको कैसे सुखी रखा होगा। तो ये सब उस ऋषि परंपरा की देन है जिसे वो साधना के रूप में करते थे। और आपके जीवन में भी आप अगर साधनाएं करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखता हूँ कि गुरु जी हमें बहुत दुख होता है, हमारे को उसने ऐसी बात कही गुरु जी, मेरा अपमान किया। भाई अपमान किया तो उसको मान में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो मैं कहता हूँ तुम्हारी को उसके उस अपमान को मान में बदलने के लिए एक बार माता दुर्गा की प्रार्थना करके तो देखो, तुम देखो कि वो आदमी तुम्हें क्षमा मांगेगा, वह तुम्हें आदमी वह सांत्वना देगा कि मेरे से गलती होगी मानेगा, और तब उस पश्चाताप को हम अपने हमारे मन में भी शांति होगी। हम इस प्रकार की शूलिनी दुर्गा की साधना को आज अगर हम 6 बजे से पहले संपन्न करते हैं तो मैं कहता हूं कि कल हवन करवाऊंगा, जिनको समस्याएं हैं, जिनकी हवन ना करे भी तो चलता है, साधना करने पर भी ये साधना सिद्ध होती है। मैं इससे पहले आपको गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूं, बाद में आप शूलिनी दुर्गा की साधना का यंत्र और माला लेकर मेरे सामने ही आज के दिन अगर 1,000 बार उस मंत्र को बोलते हैं तो आप देखो निश्चित रूप से आपके जीवन में ऐसे कोई समस्या नहीं आएगी, ना आपके बच्चों को, ना आपको, ना आपके पितर जो नरक में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके जीवन में कुछ नरक प्राप्ति हुई तो उनको भी स्वर्ग प्राप्ति की एक विशिष्ट साधना संपन्न की हुई नजर आएगी। मैं पहले गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ, उसके बाद आप साधना सामग्री ला लेने के बाद उस साधना का मंत्र बोलता हूँ। पहले गुरु मंत्र की दीक्षा। मेरा वो सरदर्दी मेरी नहीं है, हवन के लिए कैसा करेंगे बोल रहा शिवा, वो सरदर्दी ठाकरे की है, उनको शहद ला लेकर देना और उनको शहद क्या आहुति 108 की आहुति दिलवाना, ठाकरे की सरदर्दी। मैं सिर्फ केवल बोलने वाला, शहद अपने आप ला लेना आप, बाकी का सामग्री में यहाँ लकड़ी ला लूँगा, लेकिन शहद जिसका उन्होंने ला लो। अगर कल हवन में रहना है, अपनी आपकी इच्छा पूर्ण होनी है, ऐसी समस्याएं आपके जीवन में ना आए तो कल आप शहद ला लो, मैं हवन सुबह जल्दी से जल्दी करूँ। पहले गुरु मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ, सब लोग हाथ जोड़ो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहो। बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पर रखो। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मेरे साथ मंत्र कहो। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र बोल रहा हूँ, बोलो ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदया। मैं गुरु मंत्र की दीक्षा दिया हूँ, सिर्फ ठाकरे और ठाकरे की पत्नी कोई भी 1,000 फूलों से, जंगली फूलों से भी उस मंत्र को बोलते हुए वो दुर्गा यंत्र पर फूल चढ़ाएंगे, बाकी सब लोग 1,000 मंत्र करेंगे, उसके बाद मैं शूलिनी दुर्गा का की शक्तिपात दीक्षा देता हूँ और कल हम उसका हवन करेंगे। आप सब लोग यंत्र और सामग्री जो भी इच्छुक है साधक वो ला लें, मैं अभी इसके बाद साधना का विधि बतलाता हूँ।